हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। आज हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 19। पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक 44,840। नेक्स्ट परचेज लिखेंगे, परचेज रिटर्न इसमें नहीं दिया हुआ है तो परचेज रिटर्न की एंट्री होगी नहीं, ये हम यहाँ लिख देंगे 1,28,295। वेजेस की एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ हम लिखेंगे वेजेस 20,485। वेजेस से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, वेजेस इंक्लूड 600 फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी। वेजेस में 600 इंक्लूड है मशीनरी के इरेक्शन पे। तो देखिए, जब भी न्यू मशीन खरीदा जाता है तो उसके साथ जो भी एक्सपेंस होते हैं तो वो हम मशीन के अमाउंट में ऐड करके लिखते हैं, अलग से उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। बट यहाँ वेजेस में इंक्लूड कर दिया है तो वेजेस में से हम 600 लेस कर देंगे। वेजेस दिया हुआ है 20,485, यहाँ लिखेंगे 20,485 लेस इरेक्शन ऑन न्यू मशीनरी 600, ये हो जाएगा 19,885। अब क्रेडिट साइड देखेंगे, सेल्स दिया हुआ है 1,78,215, तो यहाँ लिखेंगे सेल्स। सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है तो सेल्स में सेल्स रिटर्न हम लेस करते हैं, यहाँ करेंगे 1,78,215 लेस सेल्स रिटर्न। रिटर्न इन वर्ड को हम सेल्स रिटर्न कहते हैं, 2,390 लेस करेंगे, ये हो जाएगा 1,75,825। एडजस्टमेंट में देखिए दिया हुआ है, फर्स्ट एडजस्टमेंट स्टॉक इन द शॉप ऑफ 31st मार्च 2014 वाज 64,480। तो 31st मार्च को स्टॉक है, इट मींस ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 64,480। सो स्टूडेंट्स, हम डेबिट साइड ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,93,020। एंड क्रेडिट साइड हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2,40,305। हम लेस करेंगे, ये आ जाएगा 47,285। तो डेबिट साइड कम है अमाउंट, तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 47,285। ये हो जाएगा, अब हम दोनों साइड बैलेंस कर देंगे 2,40,305। अब हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट साइड। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आया था 47,285। नेक्स्ट रेंट दिया हुआ है इसमें, यहाँ लिखेंगे टू रेंट, टू एंड बाय आप लोग लिख लीजिएगा 2,810। सैलरीज भी दिया हुआ है, सैलरीज 5,500। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस 200। रिपेयर्स 1,685। डिस्काउंट अलाउ 2,435। बैड डेट्स दिया हुआ है, बैड डेट्स की एंट्री आप लोग बहुत ध्यान से देखना। बैड डेट्स दिया हुआ है 1,810। एडजस्टमेंट में आप देखिए लिखा हुआ है हाफ द अमाउंट ऑफ एक्स बिल इज इररिकवरेबल। यहाँ ऊपर डेटर में देखिए इंक्लूडिंग एक्स फॉर डिसऑनर बिल ऑफ 1,000। एक्स का बिल डिसऑनर हो गया था, उसमें से हाफ बिल मीन्स 1,000 का डिसऑनर हो गया था, जिसमें से उसने हाफ नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया, तो 500 उसने नहीं दिया, ये फर्दर बैड डेट्स हो गया। तो फर्दर बैड डेट्स हम ऐड करते हैं, तो यह हम यहाँ करेंगे ऐड फर्दर बैड डेट्स, ये हो जाएगा 500।
2310. Create a provision of 5% on other debtors. New provision हम कैसे calculate करेंगे? Debtor पे हम new provision calculate करते हैं. 30,000 debtor दिया हुआ है, जिसमें से 1,000 dishonor हो गया है, तो इसमें से हम minus करेंगे 1,000. इसमें further bad debts भी include है. Further bad debts जब भी question में दिया हो, तो new provision निकालने से पहले हम debtor में से further bad debts less कर देते हैं, तो 1,000 में further bad debts भी include हो गया, 1,000 minus करेंगे, ये हो जाएगा 29,000. अब 29,000 पे हम new provision calculate करेंगे. यहाँ हम लिखेंगे, सॉरी, ये अमाउंट यहाँ हो जाएगा, एड न्यू प्रोविजन 1,450, 3,760. एडजस्टमेंट में देखिए, डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन मशीनरी पे 5% लगा है. अब देखिए, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था, फोर्थ एडजस्टमेंट में, वेजेस इंक्लूड 600 फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी. तो मैंने बताया था उस वक्त, जब भी न्यू मशीनरी के साथ कोई भी एक्सपेंस होता है, तो वो एक्सपेंस हम मशीनरी के साथ अमाउंट में ऐड करके लिखते हैं. तो 600 हम मशीनरी के अमाउंट में ऐड करके बैलेंस शीट में दिखाएंगे, तो मशीनरी का कॉस्ट हो जाएगा 14,400. कॉस्ट दिया हुआ है, तो हम उसमें 600 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 15,000 पे हम 5% का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ये हो जाएगा 250. तो देखिए, डेप्रिसिएशन हमारा डेबिट साइड जाता है, डेप्रिसिएशन. प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कोई बच्चे ये नहीं कहेंगे कि मैम आपने टू नहीं लिखा और बाय नहीं लिखा. मैं बार बार कह रही हूँ, टू एंड बाय आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना. मशीनरी ये हो जाएगा 750 एंड फर्नीचर पे 10% लगा हुआ है, तो फर्नीचर पे अमाउंट दिया हुआ है 4,480 का 10% हो जाएगा 448. हो गया, ये कैलकुलेट कर लेंगे हम, 1,198. ये हो गया. तो हम क्रेडिट साइड देखेंगे, क्रेडिट साइड में कमीशन दिया हुआ है, कमीशन रिसीव, तो यहाँ हम लिखेंगे कमीशन. एंड देखिए, एडजस्टमेंट में देखिए, कमीशन इंक्लूड 300 बीइंग कमीशन रिसीव इन एडवांस. तो रिसीव इन एडवांस हम लेस करते हैं, प्रीपेड हम ऐड करते हैं, रिसीव इन एडवांस हम लेस करते हैं. तो कमीशन दिया हुआ है 2,820, हम इसमें लेस करेंगे, लेस कमीशन रिसीव इन एडवांस. एडवांस 300 हो जाएगा 2,520. हो गया. मैं देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन रह गया, तो उसकी भी हम एंट्री कर लें. इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है 500. एंड देखिए, क्रेडिट साइड में 1 अप्रैल 2013 को दिया हुआ है, लोन एट 8% पर एनम, तो लोन का रेट दिया हुआ है 8%. 10,000 अमाउंट है, 10,000 पे हम 8% कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 800. 800 का पेमेंट करना था, बट सिर्फ 500 का पेमेंट हुआ है. इट मीन्स 800 में से 500 माइनस करेंगे, 300 बचा. 300 अभी जमा करना है, अभी जमा हुआ नहीं है, तो वो हमारा आउटस्टैंडिंग हो जाएगा. यहाँ हम करेंगे 500 एंड ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 300. टोटल हो जाएगा ये 800. हो गया. अब हम डेबिट साइड ऐड कर लेंगे एंड क्रेडिट साइड ऐड कर लेंगे. सो स्टूडेंट्स, डेबिट साइड हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 19,333. क्रेडिट साइड हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 49,805. लेस कर लेंगे, हो जाएगा 30,475. तो देखिए, डेबिट साइड कम अमाउंट, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट, ये हो जाएगा 30,475. टोटल हम कर लेंगे 49,805. हो गया. अब हम बैलेंस शीट करेंगे. कैपिटल दिया हुआ 59,700. यहाँ देखिए, सॉरी, यहाँ गलती से मैंने पर्टिकुलर्स लिख दिया है.
यहाँ हो जाएगा लाइबिलिटी एंड यहाँ हो जाएगा एसेट. कैपिटल 59,700, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट हमारा आया था 30,472. एंड देखिए डेबिट बैलेंस में देखिए सबसे ऊपर ड्राइंग्स दिया हुआ है, तो जब भी ड्राइंग्स दिया हो तो कैपिटल में से हम ड्राइंग्स लेस कर देते हैं. हम ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2,711, ये हो जाएगा 90,172. ड्राइंग्स दिया हुआ है तो हम लेस करेंगे ड्राइंग्स, लेस ड्राइंग्स, कैपिटल में से हम ड्राइंग्स लेस कर देते हैं 5,275. ये हो जाएगा 84,897. नेक्स्ट लोन दिया हुआ है तो लोन लाइबिलिटी होता है, यहाँ लिखेंगे 8% लोन 10,000. क्रेडिटर्स की एंट्री हम लाइबिलिटी साइड करते हैं, क्रेडिटर्स 29,815. एंड एडजस्टमेंट में जितने भी आउटस्टैंडिंग दिए हुए हैं उसकी एंट्री हम लाइबिलिटी साइड करते हैं, एंड जितने भी प्रीपेड दिए होते हैं उसकी एंट्री हम एसेट साइड करते हैं. देखिए इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन पे आउटस्टैंडिंग था तो हम यहाँ लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 300. एंड कमीशन रिसीव इन एडवांस भी अगर दिया हो तो उसको हम लाइबिलिटी साइड करते हैं. तो रिसीव इन एडवांस दिया था received in advance, यहाँ आप लोग कमीशन लिख लेना, कमीशन रिसीव इन एडवांस 300. अब एसेट साइड हम देखेंगे, एसेट साइड सबसे पहले मशीनरी, तो देखिए एडजस्टमेंट में दिया हुआ है वेजेस इंक्लूड 600 इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी, तो मैंने बताया था कि वो अमाउंट हम मशीनरी में ऐड कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ऐड 14,400 एड इरेक्शन 600, ये हो जाएगा 15,000. एंड डेप्रिसिएशन हम लेस करते हैं तो ये हम लेस कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन 750, 14,250. बिल्स रिसीवेबल की भी इंट्री हम एसेट साइड करते हैं, डेटर्स की भी एंट्री हम एसेट साइड करते हैं. डेटर्स में से हम बैड डेट्स वाले अमाउंट्स माइनस करेंगे, तो देखिए हम कैसे करेंगे, 30,000 का डेटर था, इसमें से लेस करेंगे, लेस फर्दर बैड डेट्स 500, ये हो जाएगा 29,500. एंड लेस न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन हमारा आया था 1,450, ये भी हम लेस कर देंगे, ये हो जाएगा 28,050. कैश की एंट्री हम करेंगे, कैश 9,750. फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन लगा था, डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट हम लेस करेंगे 4,480 लेस डेप्रिसिएशन 448, ये हो जाएगा 4,032. एंड देखिए क्लोजिंग स्टॉक की भी एंट्री हम एसेट साइड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 64,480. अब हम दोनों साइड ऐड कर लेंगे, लायबिलिटी साइड हम ऐड करेंगे, लाइबिलिटी साइड ऐड करेंगे हम तो ये हो जाएगा 1,25,312. एंड एसेट साइड हम ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1,25,312. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 हमने कंप्लीट कर लिया. फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में से या फिर अकाउंट्स की बुक की किसी भी चैप्टर में से आपको कोई भी क्वेश्चन में आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं,
If you like my video, then please like, share and comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.